हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और आज हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स स्टडी करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बेसिक पॉइंट स्टडी करना है। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऐसा भी कहते हैं। और इसका जनरल फॉर्म क्या है, देखिए ये हमने जनरल फॉर्म यहां लिख के रखा है। इसमें हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, द जनरल फॉर्म ऑफ एलडीई, इट मींस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्डर एन इज। और ये जो इक्वेशन है इसमें क्या लिखा है, ए जीरो डी टू द पावर एन वाई बाय डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन डी टू द पावर एन माइनस वन वाई बाय डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर एन माइनस टू वाई बाय डी एक्स टू द पावर एन माइनस टू। आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, चॉइस आपका है। और लास्ट टर्म हमने लिखा है ए एन वाई इक्वल टू राइट साइड में है क्यू ऑफ एक्स। कुछ बुक्स में क्यू ऑफ एक्स ऐसा दिया है तो कुछ बुक्स में यहां पे फाई ऑफ एक्स ऐसा दिया है। कोई भी फॉर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का स्टैंडर्ड फॉर्म, या आप इसको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा भी कह सकते हैं। और अब ये जो इक्वेशन है इसमें देखिए d बाय dx के जगह अगर हम कैपिटल d रखते हैं, d बाय dx को अगर आप कैपिटल d से रिप्लेस करते हैं, तो यही इक्वेशन को आप दूसरे तरह से लिख सकते हैं। वो फॉर्म हमने यहां पे रखा है, ठीक है ना। ये जो कैपिटल d के फॉर्म में हम रख रहे इसी को डेरिवेटिव ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है ना। d बाय dx के जगह d, इट मींस वो डेरिवेटिव ऑपरेटर हो जाएगा। तो अगर हम यहां पे जहां जहां पे d बाय dx है वहां वहां पे अगर हम कैपिटल d रखते हैं, तो ये देखिए यहां पे d बाय dx है और d बाय dx का पावर क्या है, n है, तो यहां पे d टू द पावर n आया। यहां पे d बाय dx का पावर क्या है, n माइनस 1 है, तो यहां पे d का पावर n माइनस 1 आया। यहां पे पावर n माइनस 2 है तो यहां पे d का पावर n माइनस 2 आया। इस तरह से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और ये इक्वेशन बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑपरेटर। अब यहां पे जैसा आप देख रहे हैं कि सभी में y है, देखो यहां भी y है, यहां भी y है, यहां भी y है, इट मींस हम ये पूरे इक्वेशन के लेफ्ट साइड में y को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप यहां पे y को कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए, तो यहां पे a0 d टू द पावर n प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 d टू द पावर n माइनस 2। इस तरह से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू an और लास्ट में हमने y यहां पे कॉमन लिया है। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में जहां पे भी आपको a0 a1 a2 ये जो दिख रहा है ये क्या है, तो a0 a1 a2 a3 ये जो है इनको कहते हैं ऑक्सिलरी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां तक एक्सटेंड करने के बाद अब देखिए ये y कॉमन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट पूरा d के फॉर्म में है, इट मींस डेरिवेटिव ऑपरेटर के फॉर्म में है। तो इसको आप यहां पे f ऑफ d एज f ऑफ d ऐसा लिख सकते हैं, इट मींस ये जो पूरा ब्रैकेट है वो पूरा ब्रैकेट इन द फॉर्म ऑफ d है, दैट इज फंक्शन ऑफ d है। तो आप इसको एज f ऑफ d लिख सकते हैं। तो हमने क्या किए, ये पूरे ब्रैकेट के जगह f ऑफ d लिखे और बाहर में y और राइट साइड में है q ऑफ x, ओके। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। तो फाइनली ये जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है सभी प्रॉब्लम में हमें यही स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलना है। आगे चल के हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हर प्रॉब्लम में हम आपको ये इक्वेशन नहीं बताएंगे, उसका जो यहां पे रिड्यूस फॉर्म है वो फॉर्म आपको बताएंगे, दैट इज एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल्स टू q ऑफ x। ये इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है और इसमें f ऑफ d क्या है, q ऑफ x क्या है, वो हमने यहां पे लिखा है। तो यहां पे लिखा है वेयर f ऑफ d इज अ पॉलिनोमियल इन d ऑफ डिग्री n। इसका मतलब ये है कि यहां जैसा हमने कहा था कि ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर का जो इक्वेशन है वो d के फॉर्म में है, इट मींस यहां पे जो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें मिल रहा है वो d के फॉर्म में है, इसलिए यहां पे लिखा गया है कि f ऑफ d इज अ पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ d, इट मींस ये पूरा इक्वेशन d के फॉर्म में है और इसका डिग्री क्या है, देखो डिग्री n, n से यहां पे स्टार्ट हो रहा है। और आप इसको दूसरे तरह से ये भी कह सकते हैं, देखो हमने और लिखा है, या तो आप f ऑफ d इज अ पॉलिनोमियल इन d ऐसा कहो और f of d is a function of d ऐसा कहो तो भी चलेगा, ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म अच्छा रहेगा, f of d is a function of d, आप इसको ऐसा कहो। और ये राइट साइड में जो q of x है वो क्या है, तो जैसा हमने कहा था q of x राइट साइड में अगर है तो q of x को आप कहेंगे इट इज अ फंक्शन ऑफ x,
प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय राइट साइड में कुछ भी जो रहेगा वो x के फॉर्म में रहेगा, तो उसी को q ऑफ x कहेंगे, विच इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले गिवन इक्वेशन को ये फॉर्म में सेट करना पड़ेगा, ये फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये फॉर्म हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि रिड्यूस फॉर्म है। तो गिवन इक्वेशन को ये फॉर्म में सेट करने के बाद फिर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते समय आपको दो चीजें निकालनी है। सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या होगा, देखो हमने यहां पे लिख के रखा है, यहां लिखा है द जनरल सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर वन इज, इक्वेशन नंबर वन ये है, इक्वेशन नंबर वन का जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो फॉर्मेट ये है y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ये है सॉल्यूशन का फॉर्मेट। और जैसा हमने कहा था कि दो चीजें निकालनी है, तो पहला है सी एफ और दूसरा है पी आई। सी एफ मतलब क्या होता है, तो देखो हमने वेयर में लिख के रखा है, सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये जो सी एफ है ये जो सॉल्यूशन है वो एक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वो इक्वेशन क्या है, देखो f of d of y equals to zero, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है cf, और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आप मैच करके देखो आपको एक आपको डिफरेंस पता चलेगा। देखो ये जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड में है f of d of y, और इसके भी लेफ्ट साइड में f of d of y है, लेकिन इसके राइट साइड में q of x है जबकि इसके राइट साइड में जीरो है। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cf फाइंड आउट करना है, ऐसे में ये जो इक्वेशन होता है ये इक्वेशन के राइट साइड में आपको जीरो लेना है। राइट साइड में जीरो लेके आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है, देखो एक बार ये इक्वेशन बन गई तो फिर उसका सॉल्यूशन ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी सी एफ कैसे फाइंड आउट करना वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो फाइनली हमने सी एफ के बारे में जान लिए, और अब जानते हैं पी आई के बारे में। पी आई मतलब क्या, तो देखो लिखा है पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये पी आई फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा, फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा, पी आई इक्वल्स टू दैट इज वन बाय एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स। अगर आप प्रॉपरली चेक कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास एफ ऑफ डी भी है और क्यू ऑफ एक्स भी है, तो यहां पर जो एफ ऑफ डी है वो आपको यहां पर डिनोमिनेटर में लिखना है, और राइट साइड में जो भी q ऑफ x है वो आपको उसको यहां पे इनटू मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, और इसको फिर सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो कुछ भी सॉल्यूशन निकलेगा वही कहलाएगा pi, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। फिर लास्ट में cf और pi जो आपने फाइंड आउट किए थे उन दोनों को ऐड करना है, तो फिर ये जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा और प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने का जनरल फॉर्मेट हमने आपको बता दिए, फिर से सुनो एक बार रिवाइज कर रहे। सबसे पहले गिवन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ये फॉर्म में सेट करो, ये फॉर्म में सेट करने के बाद आपको f of d of y equals to zero ऐसी इक्वेशन बना के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, देन आपको ये फॉर्मेट से pi फाइंड आउट करना है, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और pi को आपको ऐड करना है, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा, इट मींस गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा और प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सब सॉल्व करते समय आपको cf और pi फाइंड आउट करने में काफी सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। जैसे कि CF फाइंड आउट करते समय आपको ऐसी इक्वेशन से सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ता है, फिर वो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर वो रूट्स के टाइप चेक करना पड़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंग CF का इक्वेशन बनता है। उसी तरह से PI फाइंड आउट करते समय ये देखिए यहां पे क्या है, Q ऑफ x है, ये Q ऑफ x के टाइप्स हैं, यहां पे टोटल 6 टाइप्स हैं, तो 6 टाइप्स के Q ऑफ x आते हैं, तो वो टाइप चेक करके आपको पी फाइंड आउट करना पड़ता है। हर एक टाइप में अलग अलग रूल लगता है, तो ये सभी टाइप्स के बारे में आगे चल के हमें स्टडी करना है, और वो सब टाइप का यूज करके आपको फिर पी आई फाइंड आउट करना है, और फिर सी एफ और पी आई को ऐड करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में इसकी पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज हमने जैसा कहा था कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा बेसिक आज हमें स्टडी करना है, तो ये हमने आज स्टडी कर लिए। ये पूरा जो जनरल फॉर्मेट है ये आप याद रखो, अगर आपके पास नोटबुक है तो ये सब आप अपने नोटबुक में जरूर लिख के। तो फाइनली आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।